और सबसे पहले बात करते हैं सियासत की, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जयपुर के होटल हिल्टन में हुई। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के अलावा अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रशेखर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। और इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण और चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया गया। तो झालावाड़ के दौरे के बाद इस कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंची और कहा यह गया कि इसमें तकरीबन 100 नामों को लेकर मंथन किया गया है ताकि जल्द से जल्द सूची जारी की जा सके। और 10 नवंबर तक, 7 से 10 नवंबर के बीच में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स के नामों का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो कोर कमेटी की बैठक में क्या कुछ सार निकला, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्य गौर जुड़ गए। दिव्य, आज की यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या कुछ निकला इससे? जी देखिए, जो सुबह से जो कोर कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो अब जाके खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अभी से कुछ देर पहले यहाँ से निकली हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो बैठक से निकल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं वो आए हुए हैं। अर्जुन जी, क्या कुछ खास रहा आज की मंथन? मंथन रहा, किस तरह का मंथन रहा, कितनी सीटों पर मंथन हुआ आज? अच्छा मंथन रहा जी, वो बताया होगा ना राजन राठौड़ साहब ने, एक मंथन रहा, अच्छा मंथन रहा। कितनी सीटों पर, कितनी सीटों पर रहा जी? कल भी होगा मंथन, कल क्या होगा, आज भी मंथन रहा, कल भी मंथन होगा, कल तक पूरा कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं मेंबर हम निकलने शुरू कर दिए हैं। अशोक परनामी, अब आप देख सकते हैं कि अशोक परनामी निकल रहे हैं और अशोक परनामी से जानते हैं। तो कितनी सीटों पे आज मंथन हुआ, क्या कुछ था? अभी तो चल रहा है, कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल सुबह 11 बजे फिर बैठेंगे वापस। पहला मापदंड विनिबिलिटी और उसके साथ साथ विचारधारा। अभी चल रहा है, अभी फिगर कुछ ऐसा नहीं है, अभी चल रहा है। देखिए अभी तो मंथन चल रहा है, मंथन कभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे एक सीट पे चर्चा हुई, फिर दूसरी पे, फिर एक में उसमें कोई दिक्कत आई, उसको फिर आगे चर्चा करेंगे। तो अब ये कहना कि कितनी सीटों पे चर्चा हो गई ये उचित नहीं होगा। कितने नामों का पैनल भेजेंगे? 1 तारीख को दिल्ली पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड होगा। कितने नामों का पैनल भेजेंगे, किसमें? नहीं अभी तो पूरे चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद कहीं सिंगल जाएगा, कहीं डबल जाएगा, कहीं ट्रिपल जाएगा। जी देखिए, जो अभी बैठक खत्म हुई है, बैठक से ये जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। और आप ये जो जानकारी दे रहे हैं, हम अपने साथ में जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं योगेश शर्मा जी, उनको जोड़ते हैं और जानते हैं पूरे दिन के जो राजनीति का जो घटनाक्रम क्या कुछ खास रहा। योगेश सर, किस तरीके से आज देखिए तकरीबन 150 सीटों पर मंथन की बात है। अनौपचारिक तौर पर गुलाब जी कह रहे थे कि 60-70 सीटें, 170 के आसपास मदनलाल सैनी कह रहे थे, लेकिन माना यही जा रहा है कि 100 के लगभग सीटें ऐसी है जिन पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, और 2 से 3 नामों का पैनल बनाने की बात है। और तकरीबन 60 नाम ऐसे आ रहे हैं जिन पर सिंगल नाम के पैनल होंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात अशोक परनामी ने कहा है कि विनेबिलिटी का सिद्धांत के साथ ही विचारधारा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए वो वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से जुड़ा होना जरूरी है, ये भी एक बड़ा उसमें बात उन्होंने कही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि टिकट वितरण को लेकर मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की जो बात है उसका मतलब क्या हुआ, कि परफॉर्मेंस काटे जाएंगे, आवश्यक रूप से किसी तरह के कोई टिकट कटने की बात नहीं आएगी। जो परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट होंगे उन्हीं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी या जिनका नाम सर्वे या अन्य तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी तो उनका टिकट काटा जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए, और हमारे साथ और भी नेता है और बात कर सकते हैं, दीवी बताएंगे आपको, दूसरा और नेता है गजेंद्र सिंह। देखिए यूनुस खान अभी बाहर आए हैं और यूनुस खान से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यूनुस खान अगर कुछ पता पाए। सर, कितनी सीटें पर कितना मंथन हुआ, क्या कुछ खास रहा आज के घटनाक्रम का? जिस तरीके से चुनाव के समय चुनाव प्रबंधन और समितियां जो मंथन करती हैं सीट टू सीट, उसी तरीके से मंथन हुआ है। कितनी सीटों पर सर, कुछ आंकड़ा हो कुछ? देखिए अब ये तो अभी 2 दिन मंथन चलेगा,
नेचुरल है सभी सीटों पर मंथन होगा, तो अब कितने पे हो गया कितने पे रह गया ये तो कल तक चलेगा। कुछ मुद्दे हुए होंगे जिनके बातचीत हुई होगी, क्या क्या पैरामीटर्स तय किए जाएंगे? देखिए राजनीति में पैरामीटर्स क्या होते हैं, राजनीति में क्या पैरामीटर्स होते हैं? राजनीति में तो मतलब कोई मतलब जो है हमेशा विनिंग कैंडिडेट समीकरण पक्ष में हो, और ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उसकी कवायद चल रही है। ये मंत्री यूनुस खान थे जिन्होंने बताया कि आज की जो जो बैठक है उसका उन्होंने ब्यूरो दिया कि किस तरीके से आज वहाँ पे टिकटों को लेकर मंथन किया गया, और आगे आने वाले कल जो कल दोबारा 11 बजे होगा हम बातचीत गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ में हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ खास रहा है गजेंद्र जी से। सर कुछ क्या कुछ खास रहा आज का मंथन जारी है? मंथन जारी है जी। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी कहना है कि मंथन जारी है, पार्टी जो विचारधारा के साथ में चल रही है और उसी विचारधारा और सोच के साथ में जो पार्टी के साथ में टिका रहेगा वो पार्टी दिव्य है। लेकिन एक बयान जो शायद जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं उसके मायने को समझने की कोशिश करूंगी मैं आपसे। कहा गया कि जो जिताऊ कैंडिडेट है, ठीक है जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, लेकिन ये कहा गया जिसकी विचारधारा, अगर आप पार्टी में है तो इसका मतलब है कि विचारधारा सेम है तभी आप पार्टी में हैं, या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब यह कि जो पैरा शूटर्स आए हैं उनके लिए किस स्पेस छोड़ा जा रहा है? जी देखिए दोनों ही बातों के मायने अलग अलग हैं। उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा से जो जुड़ते हैं उनसे वो तो जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ जो पैराशूटर्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्य, और एक अहम जानकारी इसी से मिल रही हमें जयपुर बीजेपी की पहली सूची में किन किन नामों की संभावना है वो हम आपको बता देते हैं। इन्हें लेकर सिंगल पैनल तैयार होगा, करीब 60-70 ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल पैनल की बात कही जा रही है। झालरापाटन में वसुंधरा राजे, उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया, राजसमंद में किरण माहेश्वरी, चुरू में राजेंद्र राठौर, सिविल लाइन्स में अरुण चतुर्वेदी, जोटवाड़ा में राजपाल शेखावत, शाहपुरा में राव राजेंद्र सिंह और चौमू से रामलाल शर्मा, आमेर से सतीश पुनिया, यानी कि वो चेहरे जो पहले से ही दिग्गज चेहरे हैं जहां पर कोई संभावना और नहीं है, कोई वहां पर कलह नहीं है, उन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं। अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, ब्यावर से शंकर सिंह रावत और कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़, हनुमानगढ़ से डॉक्टर राम प्रताप, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी और किशनगढ़ बास से राम हेत यादव, उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी। तो ये दिग्गजों की हम बात करें क्योंकि कांग्रेस में देखिए चाहे बीजेपी में देखिए जो दिग्गज हैं उनके टिकट नहीं कटेंगे, उन्हीं को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 24 जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के या फिर 26 वो दिग्गज जिनके नाम पर कोई चाको सूबा नहीं है, वैसे ही बीजेपी के कुछ नाम जहां पर ये माना जा रहा कि यहां पर सिंगल पैनल ही आगे भेजा जाएगा। तो वो नाम जिन पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस कोर कमेटी की बैठक में मंथन की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कल भी मंथन होगा, लेकिन मंथन का सार क्या निकला उसको बताने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी मीडिया के सामने आए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी देखिए। चर्चा बहुत अच्छी रही और काफी काम हमने निपटा दिया। क्या क्या आधार ध्यान में रखे जा रहे हैं टिकट प्रत्याशी? आधार तो सर्वे भी है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी है, रणकपुर का है, जयपुर में जो हुआ उसका है, फिर आपस में कार्यकर्ताओं से हमारी आपस की चर्चा होती है, कुछ ऐसे भी लोग हुए जिनके शायद उसमें फीडबैक में भी नाम नहीं आया हो, कोई कार्यकर्ता बाहर रहा हो उसका भी जानकारी हमको मिली हो तो उस पर भी नाम पर चर्चा हुई, ऐसे चर्चा होकर नाम